हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शानू जहांगीर। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बाजरे का चूरमा। बाजरे का चूरमा हमारे राजस्थान में बहुत अधिक पसंद किया जाता है और यहीं पे बनाया जाता है ये। अब बाजरे का चूरमा बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजरे का मोटा आटा पिसा हुआ, ये थोड़ा मोटा है, बिल्कुल बारीक वाला आटा नहीं है। ये हमने गुड़ को बारीक कूट लिया है। ये इसमें घी और एक पानी आटा लगाने के लिए, तो देखिए कैसे बनाते हैं। ये हम इसके ऊपर आप में आटा डालेंगे। अब हम इस आटे को लगाएंगे। चूरमा बनाने के लिए आटा मोटा ही होना चाहिए, बारीक आटे का चूरमा चिपक जाता है और अच्छी तरह मिक्स भी नहीं होता है। इस आटे को टाइट टाइट लगाना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है। इस आटे को लगाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। अब इस आटे का हम या तो छोटा सा रोट बना देंगे या इस या हम कह सकते हैं कि बाटा बना देंगे। ये आटा क्या है, जल्दी से ही टाइट होता है, इसलिए थोड़ा पानी अच्छी तरह डालना पड़ेगा और वो पानी भी आटा सोख लेता है। तंदूर में सेकना है, जैसे हम तंदूर में ओवन में बाटियां वगैरह सेकते हैं, उसी तरह से इसे भी सेकना है। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया। आप चाहे तो इसके गोल रोटी की तरह बेल सकते हैं या इसे बाटे की तरह। ये देखिए हम इस तरह से करके इसे, आप चाहे तो इसके दो छोटे छोटे भी कर सकते हैं और हम एक भी कर सकते हैं। अब इसे हम ओवन में सेक लेंगे। ये देखिए ये हमारा पाटा बनके तैयार है। ये देखिए हम इसे ओवन में, ये हमने ओवन में आँच भी तेज रखनी है। अब ये जब इस 15 या 20 मिनट में ये सिक जाएगा, उसके बाद हम इसमें गुड़ वगैरह मिलाएंगे। तो अब देखिए इसे बनने दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बाटा है वो देखिए अच्छी तरह से सिक गया है। 15-20 मिनट के बाद हमने इसे देखा है, ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसे कूटेंगे। ये देखिए हम इसे थोड़ा मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि थोड़ा ये और बारीक हो जाए। ये देखिए ये हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें गुड़ मिलाएंगे। ये देखिए अब हमने ये जो बाजरे का बारीक किया हुआ है ये आटा, अब इसमें देखिए हम गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिलाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, घी भी डालेंगे। घी ये पूरा गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। ये देखिए इसमें हमने गुड़ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
ये हमारा चूरमा तैयार है। अब हम इसमें घी डालेंगे। गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए ताकि इसमें कोई भी गुठली उठली ना रह जाए। अब हम इसमें घी डालेंगे। इसमें इतना ही घी बहुत है। बाजरे के चूरमे में घी बहुत कम लगता है क्योंकि गुड़ की वजह से ही पहले से ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी मैं आपको नई नई रेसिपी देती रहूँगी। ये हमारा चूरमा, ये देखिए हमारा बाजरे का चूरमा तैयार हो गया। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देती रहूँगी। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।